बज चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ यू आर डूइंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, आईपीएल दी एंजॉयिंग वेरी वेरी योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज से ऐसा रियली में लग रहा है कि ठंडी चालू हुआ है। हेजल तो पूरा ताम जाम पहन के ऐसा स्वेटर बेटर हेडफोन बेडफोन लगा के वो निकली है ट्यूशन जाने के लिए। आज से उसका स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है, तो आई मीन बस ये है कि एंजॉय करने का, वैकेशन खत्म हो गया। आई होप यू गाइज विल वर्क हार्ड, धंधे में भी ध्यान देने का, स्कूल पे भी ध्यान देने का, सब कुछ करने का। मेरा भी धंधा चालू हो जाएगा, अभी हेजल का हुआ है स्कूल, तो मेरा धंधा होगा ही। चलिए एनीवे, पापा तो आज बहुत जल्दी रेडी होकर बैठ गए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुविचार बता दो। आज का सुविचार है, जब हमारे मन से ऊंच नीच का भेद निकल जाए, हाँ, तब हमारी भावनाएं सरल और अंतर्मन निर्मल होगा। सही बात है, कहे बहुत बढ़िया बात है। ओके, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखने का, नहीं रखने का, और एकदम चाका जाम रहने का, सबको बराबर मात्रा में सरल और निर्मल निर्मल रहने का। बराबर है, बहुत बढ़िया सुविचार पापा का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ, वो भी बहुत बढ़िया बात। देखो भाई, अगर दूसरी चैनल पे आप लोग ने नहीं देखा है ना, तो जाके देख लो। कल मैं गया था ना जो प्री वेडिंग में परसों, उसका पूरा व्लॉग रख दिया है एकदम डिटेल मात्रा में, क्या किया, कैसे किया, बीटीएस में काम क्या करता हूँ, वो दिखाया है मैंने आपको। ठीक है, तो देख लो। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि जेडी भाई आप क्या करते हो, तो वो करता हूँ मैं, तो देख लो मेरा नज़रिया, मेरा क्रिएटिविटी, मेरा काम, मेरा जो पैशन है वो मैं करता हूँ। तो इसी तरीके से मैं अभी बहुत सारे प्री वेडिंग और बहुत सारे वेडिंग्स करने वाला हूँ, तो देख लो आप उधर वो चैनल में जाके जेडी पटेल। और केजीएफ को तो यहाँ पे मज़ा ही आ गया है, नेट बांध के, इधर मच्छर वच्छर तो आएगा नहीं, एकदम मस्त, एकदम ठंडा हवा का झोंका लेते लेते पेपर पढ़ते हैं। कल इंडिया जीत गया है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या है, नहीं वही है, वही जीत गया ना, हाँ वही एक, है एक फैन घुस गया था, 6.5 लाख का दंड, हाँ 6.5 लाख का दंड लगा है। ऐसे ऐसे फैन होते हैं, बोला हमारे लिए कोई ऐसा दौड़ के आएगा तो हम दंड नहीं भरवाएंगे, हम उसको पेंडा खिलाएंगे, भाई तू मेरे पास फोटो खींचने आए, ओ माय गॉड। चलिए गाइस, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कंसीडर व्हाइल लर्निंग ऑनलाइन, ऑनलाइन लर्निंग करने के टाइम पे आप सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या कंसीडर करते हो? इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ROI, या फिर उसको आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। मतलब ये कि अगर आपने कुछ पैसा खर्च किया है ऑनलाइन लर्निंग करने के लिए, तो उसको आपका कुछ फायदा भी हो रहा है, मतलब पैसा लगाया है तो उसका रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना। आपको 10 तरह के अलग कोर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, वो भी सर्टिफिकेट के साथ कम पैसों में, या फिर कुछ अलग तरीके से लर्निंग वाले कोर्स। तो जी आपको बताना चाहता हूँ कि रीलेवल इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जो आपको आउटकम ड्रिवन कोर्स प्रोवाइड करता है। यस, विद द न्यूली लॉन्च्ड प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान, यू हैव द श्योरिटी के कोर्स खत्म होने के बाद रीलेवल आपको जॉब दिलाने के लिए सब कुछ करेगा। ठीक है, और तो और अगर आपको कोर्स खत्म होने के बाद 90 डेज तक प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो यू कैन बी एलिजिबल टू गेट द फुल प्लेसमेंट फीस रिफंडेड, जो आपके 50% होंगे कोर्स के फुल फीस का। ऑल यू हैव टू डू इज, करना क्या है, बस कोर्स को सीरियसली कंप्लीट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, असाइनमेंट को बराबर कीजिए और अटेंडेंस एकदम कंप्लीट दीजिए, और जैसे ही कोर्स खत्म होता है रीलेवल का एक टेस्ट दे दो, जो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो रीलेवल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, और इसके बाद रीलेवल इंश्योर करेगा कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। मैं तो बोलता हूँ ऐसा मौका नहीं मिलेगा, अभी ही जाइए रीलेवल पे और आप अप्लाई कर दीजिए कोर्स के लिए, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको इंटरव्यू के लिए स्लॉट मिल जाएगा उनके एडमिशन कमीशन से, और जैसे ही आपको इंटरव्यू मिल जाएगा आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। तो जी 9000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने री लेवल को ट्रस्ट किया है, और इसी के साथ उन लोगों को 80 करोड़ से भी ज़्यादा की प्लेसमेंट मिल चुकी है आज तक री लेवल से। इंडिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्विगी, ओला, जायोमी जैसे 800 प्लस कंपनीज हायर करती है री लेवल से। सो डोंट वेट, गो एंड फिल आउट द फॉर्म टुडे, देर आर ओवर 10 कोर्सेज फॉर यू टू चूज फ्रॉम, यू कैन शेड्यूल योर स्क्रीनिंग कॉल इमीडिएटली, और आपको उनके प्रोफेशनल से ही कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। और पता है इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है,
ये जो कोर्सेज है ना वो कोर्स सब गारंटी सेटिस्फेक्शन के साथ आते हैं। इसका मतलब ये है कि बाय चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोर्स में आपको मज़ा नहीं आ रहा या फिर ये फिट नहीं है आपकी रिक्वायरमेंट्स को, तो 14 दिन के अंदर आपको रिफंड मिल सकता है और उसका कोई भी क्वेश्चन ये लोग आपको पूछेंगे नहीं, बिंदास रिफंड मिल जाएगा। तो मेरा पर्सनल थिंकिंग ऐसा है कि रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी रिक्वायरमेंट को, आपके ड्रीम जॉब को और आपको लर्निंग को मतलब एकदम अलग लेवल पर लेके जाने के लिए और आपकी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आई थिंक यू शुड गो एंड चेक आउट रीलेवल, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, प्लीज गो एंड अप्लाई राइट नाउ, ऑल द बेस्ट। चलिए तो यहाँ पे मम्मी तो एज यूजुअल ग्रीन साड़ी चगा चग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी श्री कृष्ण। आज तो चाय एकदम एज यूजुअल। और मम्मी क्या अपडेट है? बस कुछ नहीं, आज तो कनिष्क को हम इधर लेके भी नहीं आए हैं तड़के में, हमें जाके चल रही है। और क्या है नवीनता में? तो वो हारी से गए फिर सबने, क्या रख ले जा। हां तो ले जाओ ना, तू किए नहीं ले जाओ, बोल द्वारका ले जाओ। यहां तो क्या से गए द्वारका, क्या था तो जावर छे पर श्रीनाथ जी भी ले जाओ। हां कल एक कमेंट आया था मम्मी को श्रीनाथ जी लेके जाओ, कनिष्क को, मम्मी को और पूरे फैमिली को पहली बार, तो देखते हैं अभी अमुक टाइम था ने પછી જવાય। हां આપણે સવાર માં કોઈ પૂછતું તો કેટલા ટાઈમે તમે દીવાબતી કરો એમ? હા 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 ઘણા સવા મહિને કરે, ઘણા 25 દિવસે કરે। હા ઇસલી આપકો દેખ નહીં સકતે હો, હમારે ઘર મે મંદિર અભી ભી બંધ હે, બહોત એક દો કમેન્ટ મેને પડે થે મમ્મી ઉસને બોલા થા કે મંદિર અભી ક્યું નહીં ઓન કર રહે હો, તો ચાલુ સવા મહિનો થાય ત્યારે કરે, આપણે 25 દિવસે કરશું। ઓકે કોઈ 21 દિવસે કરે, કોઈ 25 દિવસે કરે। ઓકે તો યે ઠીક હે, तो कृष्णा जी का दर्शन भी हो जाएगा आपको जल्दी ही। चलिए अभी अपडेट लेते हैं कनिष्क जी का, क्या कर रहे हैं कनिष्क। कनिष्क तो जी, कनिष्क जी तो भाई डबल सेफ्टी में सो रहे हैं, अभी जगाने का मन नहीं कर रहा है उसको। यार जगाऊंगा तो फिर यार मजा नहीं आएगा, मैंने सोचा था उसको गर्म वो दूंगा, धूप दूंगा, बट इट्स ओके, अभी थोड़ी देर सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो जी बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए कुछ नया रेसिपी देखने को मिलेगा। ये किसका आटा है और क्या नमक डाला है बता दीजिए मम्मी। गेहूं का आटा, गेहूं का आटा है, उसके अंदर नमक गया है और उसके ऊपर हल्दी जा रहा है और तुलसी, सारिका माटे खाओ से ना। हाँ सारिका के लिए ये बहुत बढ़िया है। और ये क्या है? हींग डाला है और दाना जीरू डाला है और थोड़ी सी मिर्ची। और इसके ऊपर ये क्या जा रहा है सारिका जी? पालक जा रहा है। वाह दिस इज द मोस्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट आई थिंक। गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण। और ये जा रहा है अजवाइन, अजवाइन देख लीजिए, थोड़ा सा अजवाइन दिखने दीजिए। बाबू ना पेट में ना दुखे ना। हाँ बाबू को पेट में नहीं दुखना चाहिए। तो इतना सारा चीज एक पराठे में जा रहा है, थेपले में आई मीन। और ये फिर लहसुन भी डालने का होता है? यस। वाह ओ माय गॉड, लहसुन का तो पता ही नहीं था, लहसुन का पेस्ट जा रहा है। लहसुन लहसुन देखो ये फ्रेश लहसुन, और वो लहसुन चा का जाम मात्रा में, इसे इसको क्या बोलते हैं, दस्ता है ना हिंदी में? मत पता नहीं, गुजराती में खावणी दस्तो खबर, खावणी खावणी दस्तो। चलिए तो ये अभी ये जो क्या बोलते हैं लहसुन का पेस्ट है वो गया है इसके ऊपर, और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, अ लिटिल बिट नॉट टू मच, थोड़ा तेल है, घी भी मिक्स। अच्छा मिक्स डालने का है थोड़ा, देखो ये घी खा ये घी और ऑयल दोनों जा रहा है। वाह हाँ घी जैसी हो जाऊंगी, सही बात है। फिर इसको बहुत एकदम मस्त मिक्स करना है, बहुत अच्छे मात्रा में, बढ़िया तरीके से, एकदम प्रेम से करने का, और बहुत अच्छे अच्छे कोने कोने हाथों से। सारिका बहुत दिवस थी ब्रेकफास्ट नहीं काई रेसिपी रख दी थी, અને અમુક લોકો કમેન્ટ કરે છે કે સારિકા શું ખાય છે અમને થોડુંક બતાવો તો અમને ખબર પડે, અમે પણ પ્રેગ્નન્ટ છીએ, અમે પણ એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ, અને અમારે પણ અમુક તો બેબી આવી ગયા છે, રેગ્યુલર જે ખાતા હોય જ ખાવાનું, આફ્ટર ડિલિવરી તો બધું ખાવાનું, આફ્ટર ડિલિવરી આપકો બેબી કે લિયે ધ્યાન રખના પડતા ઇસીલિયે, વરના આપ કુછ ભી ખાઈ સકતે, એક વાર તો હોગા યાદ નહીં તો કર, બેબી કો થોડે દિન બાદ ખાયેંગે તો થોડે દિન બાદ। ઇસમે પાણી જા રહા હે બાતો હી બાતો મે, બહોત બઢિયા વાલા પાણી ગયા, પાણી પાણી પાણી। હા આગે કન્ટિન્યુ કીજીએ, એટલે બધો થોડો થોડો ખાવા રાખવા, સબકો થોડા થોડા ખાને કા, બહુ ટેન્શન નહીં લેને કા, ક્યુંકિ ઉસમે ક્યા હે, દેખો અગર આજ નહીં ખાઓગે તો કલ તો ખાઓગે, કલ નહીં ખાઓ તો પરસો, સબ કુછ ખાને કા તો હોગા હી, બર્ગર પિઝા પાસ્તા યે સબ જો જાયેગા, तो जब खाएंगे तब बर्गर पास्ता नहीं लगी रात है, એટલે અમને આજે નહી તો કાલે ખાવાનું તો સોચ તમે, એકવાર એને થાય અને પેલો વિન્ટર હોય ને, એટલે પેલો વિન્ટર પેલું સમર માં કઈક હોય જ, છોકરા ના ઇલાજ કરે, યા સો યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વરી અબાઉટ ધેટ। કલ રાત કો પૂરા બેડ રોક લિયા માં બેટી ને, મેં સોચા હું મેં કહા જાઉં, હું બોલતી હે કે નેટ અગર રખને કા હે તો જગ્યા નહી હે, તો મેં ફિર નીચે સો ગયા પૂરી રાત। ઓ માય ગોડ, ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ધ હિસ્ટરી ઓફ માય લાઈફ આઈ એમ સ્લીપિંગ ડાઉન। તો તો ગાડલો લાખ્યો અમે નીચે એમનો હોઈ રહેતા હોય છે કે લાખ્યો, જો બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક ભી બજ ગયા હે, એનીવે ચલિયે તો અભી એ આટા મસ્ત એકદમ ગોંધ ગયા હે, ગોંધા ગયા હે,
चलो अभी थेपला बने ना तब तक आप बैठ जाना, सबको ठंडा होने की राह मत देखना। नहीं नहीं बैठ ही जाऊंगा। ये देखो बहुत ही बढ़िया वाव सुपर हिट सरिका में लाइट कितनी जोरदार आवे यार। बस अब आने वणी અને શેકી લેવાનું ઈ મેં કહી દીધું હવે તમ જાણો બેસે ઉસકો ઘી મેં શેકને કા હોતા હે ઓર બહોત બઢિયા લગતા હે યે ટેસ્ટ બહોત પ્રો લેવલ ચાય કે સાથ મચાને કા સારી કા ચાય પીતી નહીં હે પર ચાય કે સાથ પી સકતે હો સારી કા દહીં ઓર દૂધ ખાતી હે વડા સાવડી તો જી 12:30 બજ ચુકે હે ઓર સારી કા ઓર મેં જા રહે હે બહોત ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીઝ લેને કે લિયે થોડી દેર મેં હમ લોગ જબ આયેંગે તબ બતા સકતે હે તો બતાયેંગે વરના આપકો કલ પતા ચલ હી ના જાયેગા ના હે ના। तो सारिका जी बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए और मम्मी ने हमको कुछ ऑर्डर दिया है। मम्मी हूँ लेवा जवानों से ये देखो अभी ये कुछ खाखा खोड़ा चल रहा है यहाँ पे। स्टोरेज की मात्रा इतनी ज्यादा है हमारे घर में। बस तो मम्मी हूँ लावानू से खाली चाना कप बीजू मोक बॉक कहती थी छे ओके चलिए थोड़ा काम कम हुआ हमारा तो मम्मी 15-20 मिनट में या फिर आधे घंटे में आ जाएंगे थोड़ा कनिष्क को देख लेने का। कनिष्क को देख लेने का नाइन सू तो छे लगभग 2 घंटे तो शायद निकल जाएंगे बाद पता या सो दैट्स इट ठीक है। और हेजल चली जा चुकी है स्कूल पे तो आज तो हेजल मिली ही नहीं है। ट्यूशन जाएगी ना स्कूल से आई मीन तब हम उसके साथ थोड़ा मच्चा होंगे। माथे बांधी लियो बता कमेंट वे करे छे કાન તો ઢાંકવા પડે ફાઇનલી હેઝુ ઘર પે આ ચુકી હે આ કે સો કે ઉઠ ચુકી હે હેઝુ કાલે કોણ આવે છે બેટા ઘરે દર્શક મામા ક્યારે આવે છે તને દર્શક મામાને ફોન આવ્યો તો આજે આજે તું સ્કૂલમાં ગઈ હતી તો તને સ્કૂલમાં મેમે શું પૂછ્યું અને તે મેમને શું કીધું એ બધી બધાની જોડે વાતો કરી શું વાતો કરી તે બધાની જોડે મેમ મને કહેતા હતા તું એમ કહેતી હતી અમારા ઘરે બેબી આવ્યું ને પછી મમ્મી પપ્પા સૂતા નથી એવું બધું બોલ્યું હતું ને તે એવી કમ્પ્લેન કરવાની હોય ઓહો ઇતની નીંદ હે ને ઇસકો અભી। और यहाँ पे कुछ नवीनता हो रही है KGF जी क्या लग पड़े हो। मम्मी सुबह से डांट रही है इतने दिनों से बोला है ये मेहनत करके लगाया है वो मेहनत करके निकालो अभी तो अभी KGF और मैं मिलके मैं हाँ हाँ मैं ही तू मैं ही ना अभी निकालेगा ना तेरे को हेल्प करेगा। चलो तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी KGF और मैं और वो क्या बोलते हैं DVS हम तीनों ने होके लगाया था अभी हम 2 होके निकालेंगे फटाफट निकल जाएगा वो देर नहीं लगेगी। वैसे हूँ क्या उतारू भाई बस ईज क्यों तो जी अभी आइडिया ये है कि इसको ये जो तार है ना वो तार इधर से छुट्टा कर देते हैं जैसे ये तार को हमने छुट्टा किया है ये तार अभी लबड़ रहा है ऐसे वही तार को लबड़ देंगे और यहाँ से ये सब ऐसे एक के बाद एक कातर मार देंगे और निकल जाएगा। आज लंच नहीं कर रहा मैंने खबर से तू जमी नहीं आने कहीं खाधु नहीं અને તું બહુ એટલે બહુ ગુંડી બની ગઈ છે જમવું પડશે તારે જ્યાં જમી લેલા ઓર મમ્મી ફાઇનલી બહુ જ્યાદા હેપી હોંગે સબે રહેશે અમારે પીછે પડી હોઈએ નિકાલો નિકાલો મમ્મી હેપી નિકાલ દે પહેલા પછી હેપી સિક્સ વાર જે પૂરું કરે હા પછી હેપી થાય એમ હે ને મમ્મી તો અત્યારે અમે અધૂરું તો ચાલુ કરી દીધું છે એટલે હવે તો તારે હેપી થઈ જવું જોઈએ હા જા વાળ પકડવા લાયક બધું હા પછી એક લોગ એમ કાઢે હું કાઢું ને આપણે હમણાં જાવ ને મમ્મી હા જા આજ ભજન ગાવો પડશે થોડું હો ને જા પહેલા લાઈટ બાઈટ બધું કાઢ પછી બીજી વાત ઓકે પછી બીજી વાત પહેલા લાઈટ કાઢો બાદ મે ભજન કરેંગે ચલો સહી વાત હે એનીવે પાપા કા અપડેટ લેતે હે પાપા બોલીએ લાઈટ કાઢો પછી ભજન મળશે હા બરાબર છે બરાબર છે ઓકે પપ્પા યાર તમે યાર તમારે છે ને વાળના પપ્પામાં સ્પાઇક્સ કરવાની જરૂર છે આમ 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 છે ને આમ જો આમ આમ જો આ લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ લાગે આમ જો કેટલું ફાઇન લાગે વાહ પપ્પા વાહ વેરી ગુડ। તો જી 6:30 બજને વાલે હે ઓર હમારે કનિષ્કજી બહાર આ ચુકે હે ઓર મમ્મી યહાં પે હેઝુ કો ફાઇનલી ખિલા રહે હે આજ સબેરે સે કુછ ભી નહીં ખાયા થા હેઝુ નોટી ગર્લ તું ખાતી નથી ને હા હે હે હેઝુ મ્યુઝિક ચાલુ થઈ ગયું છે હા હેઝુ કનિષ્ક રડે છે ये देखो अभी ऐसा होता है रेगुलर बात अरे वाह एक निकली क्यों। चलिए गाइस तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज दर्शक भाई को और मेरी पूरी जी सीरीज़ को मैं बहुत टाइम के बाद मिलने वाला हूँ। आई थिंक अराउंड मोर देन 1 ईयर हो जाएगा 1 साल के बाद है ना सारिका ऑलमोस्ट
शायद एक साल हो गया होगा। तो सब लोग कल सुबह आने वाले हैं, बहुत अच्छा सा हमारा गेट टुगेदर होगा और बहुत अच्छा अच्छा हम लोग बातें शेयर करेंगे और लाडवा का फंक्शन होगा और लाडवा की सब सेरेमनीज में आपको जितना हो सके उतना दिखाऊंगा। और मेरे को पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं, मेरा तो पहली बार है लाडवा का। वैसे मैं लास्ट टाइम पापा के साथ उधर हम लोग हमारे परिवार को लेके गए थे चलाला, तब हमने बस उधर जाके लंच किया था और सबको मिले थे। और हेज़ल को मैंने हाथ में लिया था और पापा ने पहली बार लिया था हेज़ल को हाथ में, ये सब मैंने मोमेंट कैप्चर किया था। तो वो मेरे पास आई थिंक है कि नहीं है, मेरे को याद नहीं है, शायद तो है ना, वो फोटोज़ है, वीडियो नहीं है। बढ़िया, थोड़े थोड़े मेमोरीज और थोड़े थोड़े सिमिलरिटीज़ होगी, वो हम हमारे हिसाब से जितना हो सके उतना आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं। लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और कल मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंटेंट के साथ। बाय बाय, सी यू टुमारो।